ये मेरे साथ खड़ी है, इस गाड़ी को आप पहचान भी नहीं सकते, ये कौन सी गाड़ी है, इस पर ज़रा नज़र डालें आप। आसिफ भाई जनाब, ये इसके बारे में, इसका ये शाइनी सस्पेंशन, ये इसकी, इसके पीछे क्या स्टोरी? ये हम सब भाई बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड अ लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन सिस्टम। ये भी यूएस से इम्पोर्ट होता है। ओके, नॉर्मल गाड़ी के जो शॉक्स होते हैं वो उनका वो बेस्ड होते हैं इसका जो सस्पेंशन अपर कंट्रोल आर्म और लोअर कंट्रोल आर्म जो होते हैं उनके साथ लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो जो व्हील की जो मूवमेंट है, जिसने जब इसने खड्डों में मूव करना होता है तो उसको ट्रैवल कहते हैं। ट्रैवल, बिल्कुल। टू गेट एक्स्ट्रा ट्रैवल ये बड़े शॉक्स लगते हैं और इसके साथ अपर कंट्रोल आर्म और लोअर कंट्रोल आर्म्स एक्सटेंडेड लगते हैं ताकि शॉक का जो एंगल है वो बढ़ा के उससे ज्यादा ट्रैवल लिया जा सके। जबरदस्त। और आप बड़े से बड़े खड्डों के अंदर ज्यादा ज्यादा स्पीड में, आसान जबान में, जितना बेहतर सस्पेंशन होगा उतने बड़े खड्डे में आप फुल थ्रॉटल जा सकते हैं। अगर आप रैली जीतना चाहते हैं, क्या सीक्रेट है टू विन अ रैली? देखिए, सबसे पहले तो है आपकी रिलायबिलिटी। जी, अगर आप, यू वांट टू फिनिश, पहली बात तो ये है कि आप रैली खत्म करें। एग्जैक्टली, क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम है। बल्कि उससे भी जो ज्यादा वो इम्पोर्टेंट चीज है वो है किस्मत आपकी। आपकी किस्मत होगी तो आपकी रिलायबिलिटी आपके काम आएगी। आपके साथ चोलिस्तान में किस्मत से मुझे याद आया जनाब कि चोलिस्तान की आपकी स्टोरी जो है वो बड़ी फेमस हुई कि आपने इतनी मेहनत की, उसके बारे में बताएं। तो चोलिस्तान में इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट बट यू स्टिल सिक्योर्ड अ पोडियम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो चोलिस्तान इस दफ़ा जी काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग था। मैंने एक वो रेस व्हीकल यहाँ पे बिल्ड की अपने लिए, इट वाज अ टोयोटा टकोमा 2016 मॉडल था वो भी। तो मैंने वो एज ए प्री रनर बिल्ड किया कि मैं उसके ऊपर ट्रैक के ऊपर जाके तो मैं उस पर रैकीज करूँगा बिफोर द रेस एंड मैं भी प्रैक्टिस के लिए उसको यूज़ करूँगा। वहाँ पे रेस से एक दिन पहले जो फैसल शादी गिल की गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ गया, तो वो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व नहीं हो सका। और आपने उनको वो गाड़ी फोर्सफुली, उसको मैंने वो गाड़ी वो अच्छा। वो उसको दी एंड वो गाड़ी जब मैंने, वो फैसल ने वो गाड़ी ड्राइव की एंड ही इज अ वेरी गुड ड्राइवर, ही इज अ वंडरफुल ड्राइवर। जी बिल्कुल, ही इज अ विनर ऑफ रीसेंट लास्ट जो चोलिस्तान रैली हुई है 2023 की। एग्जैक्टली, ही इज अ विनर ऑफ दैट। मैं उसी रेस की बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और उस रेस में जब फैसल ने उस गाड़ी पे पार्टिसिपेट किया तो ही स्टूड फर्स्ट इन दैट रेस। और मेरे लिए जो खुशी की बात वो ये थी कि एक तो जो मेरा टीम मेंबर या मेरा दोस्त जीता एंड सेकेंडली जो व्हीकल मैंने यहाँ पे अपने गैराज पे टोटल 13 डेज में प्रिपेयर की थी एज ए चैलेंज। ये बहुत बड़ी बात है, लोग 6-6 महीने लगाते हैं गाड़ी को प्रिपेयर करने में और आपके पास माशाल्लाह जो फैसिलिटी है, इसकी कैपेबिलिटी ये है कि अगर बनाने पे आएँ तो 13 दिन में एक पूरी रेस प्रिपेयर्ड व्हीकल जो है वो बना सकते हैं। अब हम इसकी सस्पेंशन की और इंजन की प्राइस की बात करते हैं। आसिफ भाई, इसकी क्या प्राइस इस पर कॉस्ट कर रही है? दिस ऑल सेटअप इज आउट ऑफ अ वन कार, यानी कि एक टंड्रा गाड़ी में से उसका इंजन, सारा कुछ, गियर, उसका ईसीयू, वायरिंग, रेडिएटर, ये सारी चीजें मिला के तो आई थिंक दिस शुड कॉस्ट अराउंड 3.5-4 मिलियन रुपीज। बिल्कुल, तो जितने की गाड़ी है तकरीबन उतना ही आई थिंक ऊपर इसका लगता है। तो एक रैली प्रिपेयर्ड कार ए प्रिपेयर्ड में आपको तकरीबन 22-25 मिलियन कॉस्ट करती है, 2.25-2.5 करोड़ से 2.5 करोड़ तक। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आसिफ भाई ने डायरेक्ट जो रैली है वो ए प्रिपेयर्ड से स्टार्ट नहीं की, इन्होंने जर्नी के जो सारे चेक बॉक्सेज हैं उन्होंने स्टार्ट किया सी स्टॉक से, सी कैटेगरी से, और आहिस्ता आहिस्ता आप बता रहे थे कि एवरी रेस इन्होंने जो सी के बाद की है उसके बाद ये जो अपनी लर्निंग देखते रहे कि अब मैं बेहतर जो है इसमें परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊँ, तो उस पर आप आहिस्ता आहिस्ता ये प्रिपेयर्ड पे पहुँचे हैं। दिस इज़ द राइट वे टू गो। पहली दफ़ा ज़िंदगी में रैली में पार्टिसिपेट करके ये रैली में फर्स्ट पोजिशन लेके आए, दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग और बड़ी सरप्राइजिंग थिंग।